So what's up beautiful people, kya haal chaal, and welcome back to my YouTube channel, your own Khan Sama. To kaisi hai apni YouTube family, and as usual I'm back with a new video. Par aaj hum log thoda sa alag recipe bana rahe hain, kyunki kuch dino pehle maine jo banaya tha, that one was white sauce macaroni ki recipe. To jise banane ke baad mere ko pata chala ki bhai thoda isme desi pana add hona chahiye, like बहुत हमने वो चीज़ ये वो डाला है, उसका जो रियल फ्लेवर है वो रखा है, पर थोड़ा सा देसी पना करके ट्राई करते हैं. तो मैंने आज जो रेसिपी बनाया, दैट वन इज देसी स्टाइल मैक्रोनी की रेसिपी. तो चलो कैसे देसी स्टाइल थोड़ा सा तड़का मारते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पर आज कोई म्यूजिक के बाद नहीं भाई, आज इंट्रो थोड़ा सा चेंज किया, बहुत छोटा सा है इंट्रो. तो चलो वीडियो में मिलते हैं. तो जी आज वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अपने फेवरेट जगह से, जो कि है चॉपिंग बोर्ड. तो पहले सब्जियां काट कूट लेते हैं, जो बेसिक प्रिपरेशन से वो यहाँ पे आप देख सकते हो. मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बहुत ही बारीकी से कट कर लिया. और पता है आज मैं क्यों ये चॉपिंग बोर्ड वगैरह दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पर सुना है तुम काट कूट के दिखाओगे तो भाई थोड़े से व्यूज़ पड़ते हैं, जो कि मेरे केस में नहीं होता. मैं कुछ भी कर लूँ वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, गरीब इंसान है. और क्या जो भी है व्यूज़ आए ना है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए वीडियो डालना है, क्योंकि बहुत लोग सपोर्ट करते हैं भाई. ये देखो तब तक मैंने यहाँ पे काट लिया एक बड़ा साइज का टमाटर. अब आएगा एक अदरक, जिसको भी एकदम ही बारीक काटना है. अब देखना जब चॉपिंग करो, मेरा स्टाइल कॉपी करने के चक्कर में उंगली उंगली ना काट बैठो, एकदम आराम से काटना है. मैं स्पीड से काट रहा हूँ, मतलब आपको भी काटना है उसका भी मतलब है नहीं. और यहाँ पे मैंने ले लिया 6 पीसेस, मतलब 6 कलियाँ बोलते हैं लहसुन की, उनको ले लिया है, उनको भी बारीक काट लेना है. और 2 हरी मिर्च. और ये मैं क्वान्टिटीज़ आपको बार बार नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ काटते वक्त, पर जब मैं इसको डालूँगा आपको क्वान्टिटीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है. तो तब तक मैंने यहाँ पे मैक्रोनी को उबालने के लिए रखा है. सावधानी हटी दुर्घटना घटी नहीं करेंगे आज, इधर आज हम लोग आराम से पकाएंगे. तो यहाँ पे पानी जब उबलने चालू हो जाए, यहाँ पे डालना है ढेर सारा नमक एंड देन थोड़ा सा तेल, क्योंकि नीचे नहीं चिपकना चाहिए भाई. और अब जब ये खोलने लगे तब इसमें डालना है 200 ग्राम मैक्रोनी. और अब क्या है ना, मैंने लास्ट बार जो व्हाइट सॉस मैक्रोनी बनाया था उसका तो मेरे को थोड़ा सा पता चला कि भाई देसी पना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों से ये नहीं हो पाता भाई, ये विदेशी खाना हम लोगों से नहीं हो पाता, तो देसी पना इज़ इम्पॉर्टेंट. तब तक देख सकते हो 20 मिनट उबल चुका है अपने पास्ता, मत पास्ता नहीं मैक्रोनी. तो उसको खा के देख लो आराम से पकाया कि नहीं, सबसे आसान है, लेकिन कम से कम 20 मिनट तो लगता ही है. एंड एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम लोग निकाल लेंगे पिछली बार की तरह. तो ये पानी को निकाल के एकदम फेंकना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब आप देखोगे यहाँ पे जो पानी यूज़ होगा पूरे रेसिपी में, वो मैं ये मैक्रोनी वाला पानी इस्तेमाल करूँगा. चलो तब तक मैंने अपने जो पैन है उसमें तेल गर्म करने के लिए रखा है, पैन को थोड़ा चला लिया, तेल चारों तरफ फैल जाए. अब इसमें जाएगा मक्खन, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल किया मैंने, ढेर सारा इस्तेमाल नहीं किया. चलो मक्खन पिघल गया, अब इसमें जाएगा लहसुन, कितना है वो नहीं बोलूँगा, अदरक, हरी मिर्च. थोड़ी देर इसको ऐसे पका लेना है, लगभग 2 मिनट. जब ये रॉस मिल चले जाए तो इसमें हम लोग डालेंगे प्याज. अब प्याज को जो है इसको आराम से 2 मिनट फ्राई करना है हमें, एकदम आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें. जल्दबाजी करने जाएंगे, पकाने जाएंगे प्याज, जल जाएगा प्याज, फ्लेवर नहीं आएगा, फिर आप मुझे गाली देंगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई, तो आराम से करें. और तब तक मैंने यहाँ पे डाल दिया टमाटर. और आपने तो पता ही है टमाटर डालने के तुरंत ही बाद मेरे को क्या डालना है, क्या डालना है, नमक. बिल्कुल सही. तो
अभी जो है टमाटर को पहले तो आराम से गलने देना है। 2 से 3 मिनट आप ऐसे ही मीडियम फ्लेम में इसको पकाते रहें। आँच को एकदम हाई ना करें, क्योंकि हाई करेंगे तो भाई थोड़ा बहुत भी बैठेगा तो ये प्रॉब्लम है। तो आराम से पका लें टमाटर को, और ये टमाटर जब ऐसे थोड़ा सा गल जाए, इसमें डालना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। जीरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, कीप इट इन माइंड, क्योंकि मैंने 3 मसाले डाले, 14 आप खुद डाल देंगे फिर प्रॉब्लम हो सकता है, टेस्ट में पूरा भाई गड़बड़ आ जाएगा। तो जीरा एकदम इस्तेमाल ना करें। और तब तक मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा पानी दे दिया है, क्योंकि आपको पता है कि मसाले के साथ मेरे को टमाटर घोलने के लिए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना है, एंड थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही हम लोग पानी इस्तेमाल करते रहेंगे। जब तक टमाटर अपना अच्छे से पक ना जाए, बस 2 मिनट आराम से पकाने के बाद आपका लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा टमाटर ऐसे गल जाएगा। तब आपको इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, एंड इसको स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास घर में ना हो तो मार्केट जाएं और आराम से लेके आए भाई। तो चलो अब जब ऐसे टमाटर केचप डालने के बाद यहाँ पे डालना है पानी, एंड इसको अच्छे से एक बॉयल देना है। आपको कुछ आवाज़ आ रहा है? अगर आ रहा हो तो भाई इसको इग्नोर करो, क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ चल रहा है तो उसके वजह से हो सकता है। चलो तब तक मैंने इसमें डाल दिया जो अपना उबला हुआ मैकरोनी था उसको, एंड इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ देना है ग्रेवी के अंदर, और नीचे से ऐसे इसको एक बार टॉस कर ले हल्के से, क्योंकि नीचे बैठना नहीं चाहिए। तो ये हो गया, और आराम से अब आफ्टर यू जस्ट पुट देम इन द पैन, देयर इज अ चांस कि आप जितना इसको करछी से चलाओगे उतना टूटने का भाई चांस होएगा। तो वही एक बात है कि बिल्कुल आराम से पकाते रहें एकदम हल्के हाथ से, उसमें जितना घूमता है घूमने दें, जितना ना हो तो उसको ऐसे चला के मसाले को मिक्स कर लें। सीधा सा सिंपल सा काम है भाई, नो रॉकेट साइंस, नथिंग। और हाँ, फिर से अगर आपको बाहर का कुछ आवाज़ आया होगा तो फिर भी कुछ माइंड मत करना, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मेरे नहीं किसी और के, तो चलने देते हैं। सब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, चलो हंसते खेलते जो काम हो जाए वो सबसे बढ़िया है ना। अब इसको पक, इतने देर पकने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे चीज़ क्यूब्स को आराम से ऐसे पका लेना है, क्योंकि चीज़ जो है ये पिज़्ज़ा चीज़ तो है नहीं, नॉर्मल चीज़ है, तो भाई पिघलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आराम से पकाना है। इस टाइम पे आप आंच को एकदम धीमा कर दें। ये देखो कुछ भी अभी तक टूटा नहीं है, एक भी मैक्रोनी का पीस या फिर हाँ थोड़ा बहुत ये टाइप हो सकते हैं कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ ऐसा है, पर टूटेगा कुछ नहीं। ये देखो अपना मतलब अभी तक का रेसिपी बिल्कुल तैयार है, एकदम बढ़िया। अब लास्ट में इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, क्योंकि भाई देसी स्टाइल से बना रहे हैं, धनिया पत्ता ना होगा तो देसी ना बन पाएगा, तो इससे अच्छा है कि धनिया यूज़ कर लें हम, और क्या। मैंने किसी किसी को देखा है भाई, मतलब हर एक डिश में धनिया पत्ता यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनका ऑब्सेशन होता है धनिया के प्रति, मेरा भी है, पर वही है कि यूज़ नहीं करते ना। मेरा तो बस चल हर एक रेसिपी में धनिया मैं चला दूँ एक बार करके। तो चलो मजाक की बात है, अब अपना रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको थोड़ा सा नमक वमक वगैरह अपने हिसाब से दे लेना है, और चलो करते हैं सर्विंग। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो सर्विंग करने के बाद मिलते हैं। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new love.